तो पहले एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वॉयलेट एवरगार्डन एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 13 एपिसोड है प्लस एक स्पेशल एपिसोड है और इसकी एक मूवी है, और मैंने अभी तक इसके 13 एपिसोड प्लस स्पेशल एपिसोड ही देखा, तो उनके बारे में बात करूंगा। मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप ये एनिमे सीरीज देखना शुरू करोगे, सबसे पहले आपको इस एनिमे सीरीज में पसंद आने वाली है इसकी एनिमेशन। इतनी खूबसूरत एनिमेशन की गई है कि आपको देखते ही उससे ही प्यार हो जाएगा। मतलब उसको बयां करने के लिए मेरे पास प्रॉपर वर्ड नहीं है, इतनी बढ़िया एनिमेशन की गई है। और फिर इसके बाद आपका ध्यान जाएगा इसके म्यूजिक की तरफ, जो म्यूजिक इसमें प्लस, मतलब ऐसे समझो कि सोने पर सुहागा है। एनिमेशन इतनी खूबसूरत, उसके ऊपर म्यूजिक इतना सुंदर, वॉयलिन का जो साउंड हमें सुनाई देता है हर सीन पर जो इंटेंस होता है, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हैं, उस पे जो वॉयलिन का साउंड आता है इतना बढ़िया लगता है वो। और इस एनिमे सीरीज को एक यूरोपियन टाइप का मतलब थीम दी गई है। आप जब देखेंगे इसको तो यूरोपियन के साइड में जैसी वहां की ड्रेसेस होती हैं, तो वो वाली चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये जब एनिमे सीरीज में देख रहा था तो मुझे खुद, मैंने जो पुरानी यूरोपियन टाइप की जो एनिमेशन देखी हुई थी मुझे उसकी याद आ गई थी। खैर मुझे उसका नाम तो याद नहीं आया कि प्रॉपर मैंने कौन सी एनिमेशन ऐसी देखी थी। और अब आते हैं इस एनिमे सीरीज की स्टोरी के ऊपर। जैसे ही आप ये शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड में दिखाई देती है एक वॉयलेट नाम की एक फीमेल एनिमे करेक्टर, जिसके अब हाथ जा चुके हैं अपने लोहे के यानी मेटेलिक हाथों से। वो एक रिपोर्ट या फिर कहीं एक लेटर लिख रही होती है मेजर गिलबर्ट को। वॉयलेट एवरगार्डन को जब आप देखोगे तो एक ऐसा एनिमे करेक्टर जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। इस तरीके से इसे एक वेपन ही कहा गया है, क्योंकि इसे बचपन से ऐसे सिखाया गया। एक इंसान को कौन सी ऐसी चीज है जो उसे मशीन से अलग करती है, वो है इमोशन। सुख का एहसास होना, दुख का एहसास होना, गुस्सा आना, रोना, हंसना, नफरत, जेलसी, ये सारी जो फीलिंग है वो एक इंसान को इंसान बनाती है। और अगर इन सारी फीलिंग को आप निकाल लो किसी इंसान से, तो वो इंसान क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है, जिसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। और सेम टू सेम आप समझ सकते हो वो है वॉयलेट एवरगार्डन। जब फर्स्ट टाइम मेजर गिलबर्ट से इस एनिमे करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब इसका अपना खुद का नाम नहीं था, मेजर गिलबर्ट इसे वॉयलेट ही नाम देते हैं। और जब यहां पर जब इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसको बोलना तक नहीं आता, सिर्फ लोगों को मारना जानती थी, और इससे दर्द का एहसास भी नहीं होता। मतलब इसको दर्द हो रहा है, मतलब यहां पर इसको चोट तो जरूर लगती है, उससे खून निकलता है, लेकिन इसको दर्द होता है नहीं होता है, इसको कुछ नहीं पता। और मेजर गिलबर्ट इसको इंसानों के तरीके से ट्रीट करता है, जबकि बाकी के जो यहां पर लोग हैं इसको एक तरीके से वेपन ही समझते, एक टूल ही समझते हैं। हाँ ये मर जाए तो इसका कोई भी मतलब कोई भी रोने वाला नहीं है, मतलब इसको किसी ने भी इंसान के तरीके से ट्रीट नहीं किया, इसके साथ किसी ने अच्छे से बर्ताव नहीं किया, लेकिन मेजर गिलबर्ट इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मेजर गिलबर्ट का इस एनिमे करेक्टर के साथ बॉन्डिंग का होना, ये सब दिखाया जाता है इस एनिमे सीरीज में थोड़ा-थोड़ा फ्लैशबैक में। बेसिकली इस एनिमे सीरीज के अंदर वॉयलेट एवरगार्डन अपने अंदर की फीलिंग को ढूंढ रही है जब वो मेजर गिलबर्ट से अलग हो जाती है, और इसके लिए वो दूसरों के लिए लेटर लिखना शुरू करती है। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, खासकर वॉयलेट एवरगार्डन के लिए जिसके पास कोई फीलिंग नहीं है। और ये इस काम के लिए चाहिए होती है भाई सब फीलिंग्स, ताकि दूसरों की भावनाओं को वो समझ सके। वॉयलेट का इस काम को चुनना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो आखिरी बार वॉर में मेजर गिलबर्ट के साथ थी, तो गिलबर्ट ने उसे जब वो तीन वर्ड्स कहे थे, वो उसका वो मीनिंग ढूंढना चाहती है, उनको वो समझना चाहती है कि उन शब्दों का मतलब क्या था। इसके लिए वो दूसरों के लिए लेटर लिखना शुरू करती है, और वहां पर वो दूसरों के इमोशन को समझने की कोशिश करती है, उनके दर्द को समझने की कोशिश करती है। और जब आप फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि मेजर गिलबर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये बात जो है वो वॉयलेट एवरगार्डन को नहीं बताई जाती है। और इसे तब पता चलता है कि मेजर गिलबर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब ये फीलिंग को समझने लग जाती है, और तब इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि हाँ यार सच में अब मेजर गिलबर्ट नहीं रहे, लेकिन जब सेकंड एपिसोड पे गए तो ऐसी कन्वर्सेशन वहां पे चल रही होती है, तो लगता है कि हाँ नहीं यार वो जिंदा है कहीं ना कहीं। और बाकी जब वॉयलेट एवरगार्डन को पता चलता है कि हाँ भी अब मेजर गिलबर्ट नहीं रहे, लेकिन वहां पर बॉडी नहीं मिली है, तो वहां पर मुझे ज्यादा उम्मीदें हो गई वॉयलेट से ज्यादा कि हाँ यार ये बंदा जिंदा है और ये वापस आएगा। हिंदी मूवीज की तरीके से जब वो हीरो मर जाता है, मतलब दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि भी अब वो नहीं आएगा, और लेकिन लास्ट में वो आ जाता है, तो इस उम्मीद में मैं भी ये सारे के सारे एपिसोड देख रहा होता हूं कि हाँ यार वो आएगा जरूर। और फिर ये एनिमे लास्ट में रुलाना शुरू करती है। शायद स्टार्टिंग में आप इमोशनल ना हो, लेकिन ये 100% आपको रुला के ही छोड़ेगी। सबसे बेहतरीन एपिसोड जहां वॉयलेट लेटर लिखती है एक औरत के लिए जिसकी डेथ होने वाली है, और अपनी बच्ची के लिए अपनी बातें लेटर के थ्रू आने वाले टाइम में उसे बता
बता सके कि वो दुनिया में नहीं रही है, तो उसके साथ वो लेटर के थ्रू रह सके। और भी बाकी सारे ऐसे एपिसोड हैं जो आपको अंदर तक मतलब झंझोर कर रख देंगे, इतने ज्यादा इमोशनल है। खासकर एक तो ये जो लेडी का, एक मदर और एक बच्ची जो यहां पर दिखाई गई, एक सोल्जर का जो अपने माता पिता के लिए और जिसको वो प्यार करता है उसके लिए वो जब लेटर लिखता है, तो इतने बेहतरीन मुझे वहां पर लगे। और जब ये एनिमे सीरीज खत्म होगी तब आप इस एनिमे सीरीज के करेक्टर में ही खो के रह जाओगे, वॉलेट एवर गार्डन के बारे में सोचने लग जाओगे, जैसा मेरे साथ हुआ था और अभी भी हो रहा है। जब मैंने यूर लाइ इन अप्रैल एनिमे सीरीज देखी थी तो मैंने सोचा था कि यार इस तरीके की एनिमे सीरीज से थोड़ा सा बच के रहूंगा, लेकिन भाई साहब जब आप इसका फर्स्ट ही एपिसोड देखते हो, ये स्टार्टिंग से बता देती है कि भैया तुम्हें हम रुलाकर ही छोड़ेंगे, लेकिन आप इससे कनेक्ट हो जाते हो, बाकी के एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। तो यही मेरे साथ हुआ। ओवरऑल इस सीरीज के अंदर आप वॉयलेट एवरगार्डन का जो रिलेशन है वो मेजर गिलबर्ट के साथ कैसा रहा और यहां पर वो अपनी फीलिंग्स को कैसे वो बाहर निकालती है, ये जो जर्नी है आप इस एनिमे सीरीज में देखने वाले हो। और इसमें साथ ही साथ मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी एक बहुत बेहतरीन म्यूजिक के साथ। मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 star। ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश डब में ही मिलेगी, जैपनीज डब में भी है, जैपनीज आपको आती है तो देख लेना, विद सबटाइटल भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन हिंदी डब भाई इससे दूर ही रहना, हिंदी डब कुछ भी नहीं होती, मतलब एनिमे सीरीज और हिंदी डब का 36 का आंकड़ा जैसा मैं कहता आ रहा हूं। अगर किसी ने ये एनिमे सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये एनिमे सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है तो जाकर ही देखना, मतलब अगर आपका दिल कच्चा है तो थोड़ी देर में आप रोने लग जाओगे, और सच कहूं इससे बाहर निकलना काफी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी टाइम तक आप इसके बारे में सोचते रहोगे, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, बहुत मुश्किल से इसे बाहर निकल पा रहा हूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।